एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह जिस गांव में रहता था, उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। रामू मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। ना तो उसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए ढंग का घर। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। गांव वाले जिस कुएं से पानी लेने जाते थे, अगर उस कुएं से रामू या फिर उसकी पत्नी पानी लेने जाते, तो गांव वाले उन्हें वहां से भगा देते थे। एक दिन रामू की पत्नी उदास होकर रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? हमने गांव वालों का क्या बिगाड़ा है? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। देखना एक दिन ये गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। मजदूरी करके भी इतना नहीं कमा पाता जितना बाकी कमा लेते हैं। देखना एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। रामू का घर बिल्कुल कच्चा था और इसीलिए रामू को डर लगने लगा कि कहीं उसका घर बह ना जाए। इसीलिए रामू और उसकी पत्नी ने कुछ अपना जरूरी सामान बांध लिया और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। रामू के भाई का घर पक्का था और इसीलिए रामू ने सोचा कि वह अपना कुछ जरूरी सामान अपने भाई के घर में रख देगा। अपने भाई के घर पर पहुंचकर रामू उन्हें आवाज लगाता है, भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। रामू का भाई नीचे आया और बोला, हाँ बोलो क्या काम है, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान बारिश में बह ना जाए, इसीलिए मैं अपना कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर पर रखने आया हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं मैं तुम्हारा सामान नहीं रख सकता, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी, तुम अपने घर जाओ। रामू के भाई ने उन्हें गुस्सा होकर वहां से भगा दिया। रामू और उसकी पत्नी उदास होकर अपने घर चले आए। बारिश बहुत तेज हो रही थी और इसीलिए रामू और उसकी पत्नी अपने सामान की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, अब बारिश बंद हो चुकी थी और ऐसे बरसात के मौसम में रामू को कोई भी काम नहीं मिल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक बार गांव में मेला लगा। मेला देखने के लिए बड़े बड़े व्यापारी अपनी गाड़ियों से आए थे। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से मेला देखने के लिए आया था, लेकिन तभी तेज बारिश होने लगी जिस वजह से व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तभी व्यापारी उनसे मदद मांगने लगता है। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी। व्यापारी सभी को मदद के लिए आवाज लगा रहा था, लेकिन सभी लोग मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह पर काम ना मिलने की वजह से निराश होकर घर वापस लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी और इस वजह से रामू दौड़ता हुआ अपने घर जा रहा था। तभी रामू देखता है कि रास्ते में एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है। वह उसे मुसीबत में देखकर उसके पास जाता है और उस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक फंसे हुए थे। तभी रामू कहता है, साहब गाड़ी के पहिए कीचड़ में धस गए हैं, मैं इनके पास से कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करिए। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से निकल जाती है। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई, तभी रामू देखता है कि गाड़ी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति बाहर आता है। हेलो तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी मेरा नाम रामू है, मैं कई सालों से इसी गाँव में रह रहा हूँ। वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो,
मैं यहाँ आधे घंटे से फंसा हुआ था, मेरी किसी ने मदद नहीं की, तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। इतना कहकर रामू वहाँ से जाने लगता है। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मेरे घर नहीं साहब, आप मुझ जैसे गरीब के घर पर जाकर क्या करोगे? मेरे घर पर तो पानी पानी भरा हुआ है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं तुम्हारे घर एक बार जाकर ही रहूँगा। जी साहब, आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी पानी से बचने के लिए एक और चारपाई पर बैठी हुई थी। देखो साहब आए हैं हमारे घर पर, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में गुड़ का भेला लेकर आती है। साहब हमारे घर पर सिर्फ यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ क्यों नहीं। रामू तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें एक काम दे सकता हूँ। साहब क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास कई काम होते हैं। हाँ हाँ मैं सोच रहा था कोई ऐसे व्यक्ति को काम पर रखूं जो ईमानदार और सारे काम को संभाल सके। आप क्या काम करना होगा, कैसा काम करना होगा, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। रामू तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊँगा और तुम मेरे साथ वहीं काम करोगे और वहीं रहोगे। यह बात सुनकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रामू ने पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को बताया, लेकिन गांव वालों ने रामू की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी से रामू के घर आया। रामू सारा सामान तैयार है ना, चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपना सारा सामान लेकर दीनानाथ के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चले जाते हैं और पूरे गांव वाले उन्हें देखते ही रह जाते हैं। दीनानाथ उन दोनों को लेकर शहर आ जाता है और रामू और उसकी पत्नी के लिए एक नया घर दिलवा देता है। रामू दीनानाथ के सारे काम संभाल लेता है। दीनानाथ के साथ काम करके रामू अब अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। रामू के पास एक बहुत सुंदर घर था जिसे देखने के लिए गांव से कई लोग आया करते थे। रामू के जिस भाई ने उसका सामान रखने से मना कर दिया था, अब वह भाई रामू को भाई भाई कहता हुआ नहीं थकता था। अब रामू ने अपनी ईमानदारी से सब कुछ पा लिया था।